हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जो भी झारखंड आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी का इंतजार ख़त्म हो चुका है। झारखंड आईटीआई के ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 2024 आईटीआई एडमिशन के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, झारखंड के आईटीआई के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको जो है स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीट ऑनलाइन फॉर्म है फिलअप करने का प्रोसेस दिखाऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, इसके लिए जो है सभी स्टेट के कैंडिडेट जो है आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना है बिना किसी गलती के। ये फॉर्म आप मोबाइल से ही भर सकते हैं, मोबाइल से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट, आप वीडियो जो है अंत तक ज़रूर देखनी। आपको ये मैंने झारखंड गवर्नमेंट आईटीआई की मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, इसका जो डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जो है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है 15 मई से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 9 जून तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पर्सनली मेरिट लिस्ट जो आपकी रिलीज की जाएगी वो 12 जून को की जाएगी, और आप कोई भी ऑब्जेक्शन या करेक्शन करेंगे तो 13 जून से 15 जून के बीच में करेक्शन करेंगे। फाइनल जो मेरिट लिस्ट आपकी वो 20 जून को रिलीज कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप जो आपकी जो स्टार्टिंग डेट ऑफ फर्स्ट राउंड की जो ऑनलाइन फिलिंग होगी वो 24 जून से 29 जून के बीच में होगी। उसके बाद जो सीट अलॉट की जाएगी वो 3 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में होगी। स्टार्ट एंड डेट एडमिशन इन द कंस्ट्रक्शन आईटीआई की जो है 3 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में ही होगी। यहाँ से आप जो इसकी एडवर्टाइजमेंट या जो है कंप्लीट इंस्ट्रक्शन की जो पीडीएफ हो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है वैकेंट सीट इन्फॉर्मेशन सेशन 2024-25 के लिए यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन करके दिखा देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको एक न्यू एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है, उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको वही डिटेल भरनी है जो आपकी 10th क्लास के सर्टिफिकेट या मार्क शीट में, वही डिटेल आपको फिलअप करनी है। यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे आप, आपको मिस्टर मिसिज कुछ नहीं लगाना, सिर्फ अपना नाम डाल देना जो 8वीं क्लास के सर्टिफिकेट में या 10th क्लास के सर्टिफिकेट में, वही डिटेल आपको डालनी है। फादर नेम डाल देंगे, मिस्टर मिसिज श्रीमान श्रीमती कुछ नहीं लगाना आपको। उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे आप, उसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर, उसके बाद सेंड मोबाइल ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर का ओटीपी यहाँ पर डाल के आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना आपको। देखिए जैसे ओटीपी को आप वेरीफाई करेंगे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर जो है आपका पासवर्ड शो करेगा। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बना लेना है, कन्फर्म पासवर्ड करेंगे, उसके बाद रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका स्टेप वन है वो कम्प्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन रहेगा, उसके बाद आपका नाम, उसके बाद यहाँ से आपको एक नीचे ऑप्शन दिया गया है लॉगिन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है। दोबारा से वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखनी है, मैं आपको जो है कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा फॉर्म है आपको कैसे फिलअप करना है। कोई भी आपको इसमें जो है मिस्टेक या गलती नहीं करनी है, वीडियो सिर्फ आपको अंत तक देखनी है। यहाँ पर देखिए जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपके पास है यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद ये जो लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है इस लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है या आपका अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम, फादर नेम, उसके बाद यहाँ पर अपनी मदर का नाम आप डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको दिखा देगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल और फीमेल दोनों जो है एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से रीजनल स्टेटस आपका जो है झारखंड का है या आउटसाइड का है, अगर आपका झारखंड का है तो परमानेंट पर क्लिक करेंगे, अगर आपका अदर स्टेट का है तो आप जो है अलग ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है एससी एसटी जनरल जो भी आपकी कैटेगरी हो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर यस नो करेंगे, उसके बाद माइनॉरिटी से हैं तो यहाँ पर आप यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद नीचे आएंगे तो एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस नो अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे आप। उसके बाद यहाँ से पर्सनल डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर यस नो करेंगे। उसके बाद अप्लाई फॉर, यहाँ पर आप जो 8वीं क्लास 10वीं क्लास किस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या बोथ के लिए, जैसे मैंने 10th क्लास डाल दिया, नेशनलिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे इंडिया।
उसके बाद देखिए यहाँ पर अपना जो आपका कंप्लीट है, प्रेजेंट एड्रेस आपका जो है रूरल है, अर्बन है, जो आपका गांव या शहर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे इसे सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस आपको फिलअप कर देना है, जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है। उसके बाद स्टेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी स्टेट है, सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ब्लॉक का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप अपना ब्लॉक भी सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका ब्लॉक लगता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड नंबर डाल देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सिर्फ यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, जो आपका एड्रेस यहाँ पर फिलअप होगा ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर 10th क्लास की जो आपने क्वालिफिकेशन डालनी है, बोर्ड का नाम डाल देंगे जिस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट स्कूल का नाम डाल देना है, जो भी इंस्टीट्यूट या स्कूल था आपका उसका नाम, इंस्टीट्यूट स्कूल का एड्रेस। उसके बाद किस ईयर आपने जो है 10th क्लास पास की, पासिंग पैटर्न यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब कि मार्क सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम है, तो जैसे कि मार्क सिस्टम पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स आपको डालने हैं, जो भी आपके टोटल मार्क्स हैं ऑफ टाइम मार्क्स यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज आपकी काउंट हो जाएगी ऑटोमेटिक। उसके बाद मार्क शीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी, जिसका साइज़ 200 KB रखा गया, PDF में आपको अपलोड करनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना आपको। उसके बाद देखें जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट मतलब फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको जो है चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे, जिसका साइज आपका जो है फ़ोटो का साइज़ 15 से 200 KB रखा गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करने, चूज फाइल पर क्लिक करके आपको सिग्नेचर अपलोड करने, जिसका साइज़ 10 से 30 KB रखा गया है। उसके बाद आपको दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए उसके बाद जैसे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद आपके जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू आपको दिखा देता है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर, इन्हें आप जो है अच्छे से चेक कर लेना आपको। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी कैटेगरी, उसके बाद 10th क्लास आपने अप्लाई की है, उसके बाद यहाँ से आपका एड्रेस आपको दिखाएगा। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है आपका 10th क्लास की डिटेल या 10th क्लास का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे, कुछ भी एडिट करना तो अभी आप इसमें एडिट कर सकते हैं, इसके बाद इसमें कोई एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना है, तभी फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप कोई एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी जानकारी को अच्छे से चेक करना है, तभी आपको फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर जैसे ही फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद थोड़ा आपको वेट कर लेना है। जैसे ही फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए मैंने फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर जो है क्लिक कर दिया है, तो थोड़ा आपको वेट कर लेना है, लिंक जो है अभी अभी एक्टिवेट हुआ, तो थोड़ा आपको वेट ज़रूर कर लेना है। उसके बाद देखिए इसका आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके जो आप अपने पास इसे रख लेंगे, ऐसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। कोई भी आपको मिस्टेक लगती है तो आप जो है कोई भी आपको मतलब कि कमी रहती है या आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो, ऐसे आपको फॉर्म फिलअप करना है।